કમોસમી માવઠાને પગલે રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલનું નિવેદન। તારીખ 26 અને તારીખ 27 એ બે તારીખોમાં માવઠાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। એ પ્રમાણે 50 થી 60% જેટલા ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાઓમાં વરસાદ થયો છે અને એ માવઠાઓના કારણે लगभग 1 मिलीमीटर थी लई 144 मिलीमीटर सुधीनो वरसाद घणा बधा जिल्लाओमां वरस्यो छे, क्यांक वधारे क्यांक ओछो, अने परिणामे खरीफ पाकनी अंदर नुकसानीनी भीति सेवाई रही छे। खेडूतोने नुकसान पड्युं होय एवुं पण जाणवामां आवे छे, परंतु हालमां खरीफ पाकोमां कपास, तुवेर अने एरंडा जे अत्यारे ऊभा पाक छे, वीण पण एनी लेवाई चूकेली छे अने छतां पण वीणनी प्रक्रिया हालमां चालू छे। एवा पाकोमां खास करीने नुकसाननी भीति वधु सेवाई रही छे, परंतु आदरणीय भूपेन्द्रभाई पटेल अत्यारे वाइब्रंट गुजरात निमित्ते जापानना प्रवासे छे। त्यांथी चिंता करी अहींया राज्य सरकारना सतत संपर्कमां ए रह्या छे अने अहींया सूचनाओ पण आपी छे। 27મી तारीखे आगाही हती, छतां खूब ओछो वरसाद अने आ मावठू नोंधायुं छे अने परिणामे आ 26-27 पछी जेवो वरसादनी मात्रा घटे एटले तरत ज सर्वेनी कामगीरी चालशे अने ज्यां आगळ जे खेडूतोने नुकसान थयुं छे त्यां एमने सहाय करवानी, मदद करवानी आखी प्रक्रिया ए सर्वेना आधारे चालू थशे। क्यांक क्यांक बरफ अने करा लगभग बहु खूब नाना सीमित विस्तारमां आ बरफ अने करा पण पड्या छे एवुं मीडियाना माध्यमथी, सोशियल मीडियाना माध्यमथी पण लोकोए जाण्युं छे अने एना कारणे वीजळी पण खूब पड़ी छे। नियमो अनुसार एने सहाय चूकववा माटेनी तमाम कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा करवामां आवशे, जेथी करी अने सामान्य नागरिकने आ मावठाथी पड़ेली मुश्केलीमां राज्य सरकार सहाय करवा माटे कटिबद्ध छे। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।